पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एसडीएम इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री का स्वयं सहायता समूह के साथ संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी गई और उनकी योजनाओं को सुना गया। लाइव प्रसारण का कार्यक्रम एसडीएम इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसको सभी ने मिलकर सुना। मुरादाबाद के 6 मंडलों में एक साथ 6 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी संयोजिका अंजू लोचब रही। कार्यक्रम का आयोजन महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अल्पना गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। सभा का संचालन अंजू लोचब द्वारा और अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष भाजपा महेंद्र गुप्ता द्वारा की गई। सभा में महामंत्री गिरीश वर्मा, राहुल शर्मा, विजयपाल सिंह चौहान, नथुराम कश्यप, मंडल अध्यक्ष केपी सैनी, सभासद माया सैनी, हीरा भारती, विजय लक्ष्मी, रीना गुप्ता, प्रीति, सुनीता, मीना, सुषमा, ओमवती, दीपमाला, शशि किरण, पूजा, देवराज सिंह, बीपीएस लोचब, अरविंद, नवदीप टंडन, सभासद डिम्पल सिंह अश्क, विशाल आदि ने सहभागिता की। अत्यंत गर्व की और खुशी की बात है कि भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट 5 करोड़ परिवारों के की मुखिया, एक तरीके से 1 करोड़ महिलाओं को संबोधित किया, उनसे डायरेक्ट रूबरू हुए, उनकी बात की, उनको बताया कि एक महिला एक परिवार की मुखिया होती है, जो कम से कम 500 अपने परिवार के पति को, माँ को, बाप को, बेटे को, बहन को मोटिवेट कर सकती है। वो बता सकती है कि भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। कैसे भारत के अंदर जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की हैं, क्या वो उन महिलाओं तक पहुंच रही हैं? जिन महिलाओं तक उनकी पहुंची हैं, वो लोग सारी आज वहाँ मौजूद थी और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आज किसी देश का प्रधानमंत्री डायरेक्ट हमारे बीच में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यह है भारत का लोकतंत्र, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह है 21वीं सदी की शुरुआत। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह की बहनों से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उनके अनुभव साझा किए सभी के साथ, और हम महिला मोर्चा की तरफ से, मैं अंजू लोचब, जिला संयोजिका यहाँ महानगर मुरादाबाद की, हम लोगों ने एक बहुत सारी महिलाओं को एक जगह एकत्रित करके प्रधानमंत्री जी के लाइव टेलीकास्ट को सुना, समझा, और जिससे कि उन्होंने जितनी योजनाएँ शुरू करी उनका लाभ कैसे महिलाएँ ले रही हैं, ये रूबरू सबने देखा, उनके अनुभव सुने कि उनको आर्थिक रूप से वो कितनी सक्षम बन रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। हमारी सरकार ने योजनाएँ चलाई हैं, उसके परिणाम अब आने लगे हैं, और इन अनुभवों को सुनकर सभी महिलाएं, हम आशा करते हैं कि वो भी हमारी योजनाओं का लाभ लेंगी। और क्या संदेश रहेगा आपका बाकी लोगों के लिए? भारतीय जनता पार्टी किस तरह का कार्य कर रही है? तरफ से हमारा ये संदेश है कि हमारी योजनाएं बहुत लाभकारी योजनाएं हैं, जिनका कि लाभ सभी महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को लेना चाहिए। वो आएं, हम लोगों से जानकारी प्राप्त करें, प्रशासन से जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से और बहुत ही उनको रहता है हमेशा ये ख्याल गरीबों का, महिलाओं का, पिछड़ों का, और उनके लिए उन्होंने अनेक योजनाएँ शुरू करी है और उनका लाभ अब हमें दिखाई दे रहा है, सबको मिलते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।